हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश का, जो कि है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी वो राख जिसके कारण जो ट्रीज़ है उनके अंदर फूल खिल उठे, फूल ब्लूम करने लगे, मतलब पत्तियाँ निकलना, फ्लावर्स निकलना पेड़ के अंदर से। अभी स्टोरी एक ओल्ड जैपनीज स्टोरी है, पुरान, जैसे इंडिया के अंदर पंचतंत्र वाली कहानियाँ होती हैं और ग्रिम टेल्स होती हैं, जैसे सिंड्रेला वगैरह की, वो जर्मनी से हैं। उसी तरीके से ये जो कहानी है ये जैपनीज है, जैपनीज फोकलोर है जो जापान में बच्चों को बचपन से सुनाई जाती हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये स्टोरी एक हार्ड वर्किंग पुरानी, एक ओल्ड कपल की है, एक बूढ़े कपल की, हस्बैंड वाइफ की है और उनके एक डॉग की है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, और इसमें जो नेबर्स हैं वो काफ़ी परेशान करने वाले हैं। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और इसमें जो उनके डॉग होता है कपल का, उनकी डेथ हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज, लेकिन जो डॉग की आत्मा होती है वो अपने मास्टर को डेथ के बाद भी सोलेस और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सोलेस का मतलब होता है कम्फर्ट, यानी प्यार करना, थोड़ा दिल मतलब उनका शांत करना, कहना कि मैं हूँ यहाँ पे। नहीं, जब हम किसी को प्यार जताते हैं तो उसको सोलेस कहते हैं, और सपोर्ट अपना साथ देना। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमियोस, डेमियोस को क्या होता है जापान में स्टूडेंट्स, करीबन 19th century के आसपास जो राजा लोग होते थे उस टाइम पे, जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे ना, वो एकदम उनको एकदम राजा की तरह ट्रीट करा जाता था। तो हम उन डेमियोस की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स रूल करते थे, जिनको हम करीबन एक राजा की तरह ट्रीट करते थे। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, अब वहाँ एक ओल्ड कपल रहते थे जिनका एक छोटा सा पेट डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, उनका कोई बच्चा नहीं था इस कारण से वो अपने डॉग को एक बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुल सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। सो अब जो ओल्ड डेम है, ओल्ड डेम का मतलब, डेम का मतलब होता है वुमेन, लेडी, जो वो ओल्ड लेडी थी, मतलब हस्बैंड वाइफ थी ना, तो जो वाइफ थी वो एक कुशन बनाती थी ब्लू क्रेप, क्रेप मतलब एक टाइप का कपड़ा होता है, तो उसका एक गद्दा सा बना देती थी जिसके ऊपर खाने के वक्त मुँह को बैठ के बैठ जाता था, और वहाँ जैसे एक कैट चिपक जाती है ना किसी कपड़े से, आपको देखा है कैसे उसको कर्डल करती है, वो उसके साथ ऐसे ऐसे करके अपनी स्किन को टच करती है और बैठ जाती है आराम से एकदम घर वो करते हुए, जैसे कहते हैं ना रिलैक्स्ड पूरे तरीके से, उस तरीके से मुँह को बैठ जाता था उस कपड़े के जो कुशन वो बना देती थी गद्दे का, और इस पर बैठ के वो खाना खाता था। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks. अब जो जापान कोरिया के लोग हैं वो चम्मच वगैरह का यूज़ करते तो हैं, उसी के साथ वो चॉपस्टिक्स का से, दो डंडियाँ सी होती हैं उनका यूज़ करते, उसको खिला के वो फिश के छोटे-छोटे tidbits, tidbits मतलब छोटे-छोटे टुकड़े खिलाते थे। And all the boiled food, boiled rice it wanted, or boiled chawal. Thus treated, the dumb creature loved its protector like being with a soul. और उसको इस तरीके से ट्रीट करते थे और प्यार करते थे जिस तरीके से उसके अंदर कोई आत्मा हो। डम्ब क्रिएचर का क्या मतलब है, उसका डॉग, डॉग को कह रहे हैं डम्ब क्रिएचर, मतलब उसको इतना पता नहीं, इसमें एक डॉग के अंदर इतने इमोशंस नहीं होते जितने इंसान के अंदर होते हैं, होते हैं थोड़े बहुत, वो हमारे प्रति लॉयल वगैरह तभी तो होते क्योंकि थोड़े बहुत इमोशंस हैं, लेकिन इतने इमोशंस नहीं हैं कि हम उनको इंसान की तरह समझ पाएँ। वो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिनको वो नहीं समझ सकते, लेकिन वो इस तरीके से जो ओल्ड कपल थे उस डॉग को प्यार करते जैसे उसके अंदर कोई आत्मा हो। द ओल्ड मैन बींग अ रिच फार्मर वेंट डेली विद अ होए एंड स्पेड इन टू द फील्ड, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। जो ओल्ड आदमी था वो एक रिच फार्मर था, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, वो एक फार्मर भी था, और वो डेली अपने हो और स्पेड के साथ, हो का मतलब होता है फावड़ा क्या, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, और स्पेड का मतलब होता है फावड़ा या मतलब ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता इतना कि फार्मिंग में क्या क्या यूज़ होता है, आप मुझे बताइए। एक तो ऐसा सा चीज़ होती है ना जिससे खुदाई करते हैं, और एक ऐसी सी चीज़ होती है जिससे करते हैं, सिक्कल होता है, और एक हमारे पास ऐसी सी कुल्हाड़ी सी होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका जो भी
इस्तेमाल करते हैं खोदने के लिए, उसको फील्ड में ले जाते थे और दिन से रात शाम तक काम करते थे। ये ओ टेंटो समा, ये ओ टेंटो समा मतलब है जब सूरज डूबने वाला होता है, जापान में इसको ये बोलते हैं। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और हर दिन जो डॉग था वो उसको फॉलो करते थे अपने मास्टर को। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हिरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्नड अप अ सोर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स। सो उसके बाद ये कह रहे हैं कि वहाँ पर वो जो डॉगी है, वो जो मूकू था, वो हमेशा अपने मास्टर को फॉलो करता रहता था, और वो एक हिरोन, एक चिड़िया का नाम होता है, उसको कभी परेशान नहीं करता था, जो हमेशा उसके मास्टर के साथ साथ चलती रहती थी और आसपास जितने भी वॉर्म्स वगैरह होते थे उसको खाती रहती थी। तो एक चिड़िया होती थी, जब भी वो खेती करने जाते थे वो आ जाती होगी, और उसके बाद वो आसपास जब भी वो कुल्हाड़ी से फावड़े से ज़मीन को खोदते होंगे, जो भी अर्थ वॉर्म वगैरह निकलते होंगे उनको खाती होगी, तो मूकू उसको परेशान नहीं करता था। और जो वो ओल्ड आदमी था वो बहुत पेशेंट था और काइंड था हर इस दुनिया में जिसके अंदर एक ज़िंदगी थी, इस कारण से वो उस बर्ड को भी भगाते वगैरह नहीं थे। और कभी कभी वो सिर्फ ये फावड़ा, जो फावड़ा या जो भी इसको कहते हैं, उससे खुदाई भी सारे से ही करते थे ताकि वो खाना मिल सके बर्ड्स वगैरह को जो आसपास हैं। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। एक दिन मूकू उनके पास भागता भागता आता है और अपने पॉज मतलब अपने जो उसके हाथ से होते हैं उसको उनके पैरों पे ऐसे से हिलाने लगता है, मोशन रब करने लगता है जैसे उनको, और अपने सिर को हिला के उसको ऐसे मोशन कर दिखाता है कि जैसे वो उनको कहीं ले जाना चाहता हो। द ओल्ड मैन एट हिज फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। स्टार्टिंग में उनको लगा कि वो बस ऐसे ही मजे के लिए कर रहा है, वो खेल रहा है। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन जो डॉग था वो रुका ही नहीं, वो इधर उधर हिलता रहा, आवाज़ें निकालता रहा कुछ समय तक। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू द प्लेस वेयर द एनिमल बिगिन लाइवली सर्च स्क्रैचिंग। और फिर उसके बाद वो ओल्ड मैन उसको पर फॉलो करने लगते हैं और वो थोड़ी दूर बाद तक वहाँ चलते हैं जहाँ तक डॉग उनको ले जाता है, और वहाँ पर वो ज़मीन होती है वहाँ पर वो जो मूगू है वो कुछ स्क्रैच करने लगता है, निकालने लगते हैं ज़मीन के अंदर से। थिंकिंग इट वॉज प्रॉबली अ बर्ड बोन और अ बिट ऑफ अ फिश द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम। सो अब जो वो डॉग है मूकू, वो कैसे ज़मीन को उसने खोदना शुरू कर दिया था, तो ओल्ड मैन ने मूकू की मदद करी, ये सोची कि हो सकता है शायद उसको कोई हड्डी वगैरह मिल गई हो या कोई फिश का टुकड़ा वगैरह मिल गया हो, इस कारण से वो भी अपने फावड़े से, फावड़ा जो भी कहते हैं उसको, उससे वो खोदना शुरू कर देते हैं ज़मीन को। और उसके बाद जैसे ही वो खोदते हैं वो तुरंत ही वो देखते हैं कि एक तुरंत ही एक बहुत सारे गोल्ड के उनके सामने था उस पिट के अंदर जहाँ उन्होंने खुदाई करी। Thus in an hour the old couple were made rich, और एक घंटे के अंदर अंदर वो जो ओल्ड कपल थे वो रिच हो गए। The good souls brought a piece of land and made at least for their friends. और वहाँ पर वो जो दोनों husband wife होते हैं वो एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदते हैं और अपने दोस्तों की भी help करते हैं, and gave them plentiful to their poor neighbors. और अपने आस पास जो neighbors होते हैं, जो उनके गरीब होते हैं, उनकी भी मदद करते हैं। As for the dog, they petted him till they nearly smoothed him with kindness. और उसके बाद वो उस डॉग को उतना पेट करते हैं, आप देखें ना, आप जानवर को पेट करते हैं, उनको गले लगाते हो, उनको मसाज करते हो, इतना करा कि उन्होंने उसको स्मूदर्थ कर दिया। स्मूदर्थ का मतलब होता है जैसे किसी को आप इतना प्यार करते हो, वो बंदा कहता है ना कि बस 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 बहुत प्यार हो गया, बहुत प्यार हो गया, तो इतने तक उन्होंने उसको प्यार करा था। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. अब उसी विलेज के अंदर एक ओल्ड मैन रहता था और एक उसकी वाइफ रहती थी जो विकेड थे, मतलब जो ये अच्छे वाले कपल थे ना, ये जो गुड कपल इनके पूरे ऑपोजिट में, इनके पूरे ऑपोजिट में वो जो बैड कपल थे, अब हम उनकी बारे में सुनेंगे, बैड कपल थे। ओके, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। अब वो ना सेंसिटिव थे यानी वो चीज़ों से प्यार नहीं करते थे, ना वो काइंड थे। Who had always kicked and scolded old dogs whenever any passed their house. वो सारे कुत्तों को जो भी उनके घर के आस पास से जाते थे उनको मारते थे, उनको किक करते थे, उनको डांटते थे। Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fishes and other dainties.
hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. अब वो क्या करते हैं, वो ये बात सुन के कि जो उनका नेबर है उनको क्या, उनके साथ क्या क्या हुआ, मूकू ने क्या करा, वो मूकू को ले आते हैं और उसके बाद उनको गार्डन, मूकू गार्डन में ले आते हैं कहीं से वैसे उठा के, और उसके बाद उसके सामने फिश वगैरह और डेंटीज का मतलब तो खाना, अलग अलग छोटे छोटे खाने की चीज़ें रख देते हैं, ये सोचे कि वो हमारे लिए भी ट्रेजर ढूंढेगा, कुछ खजाना ढूंढेगा। लेकिन जो मूकू होता है वो उनसे डरता है और इस कारण से वो ना हिलता है ना वो कुछ खाता है। They dragged him out of the doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden that he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. अब उसके बाद वो एकदम उसको खींच के गार्डन में ले जाते हैं अपने साथ, वही फावड़ा कुल्हाड़ी वगैरह ले जाके, और फिर जो डॉग होता है वो एक पाइन ट्री के पास अपने पैरों से खुदाई करना शुरू कर देता है ज़मीन के अंदर। अब उन लोगों को तो लगता है कि शायद कोई अंदर ट्रेजर वगैरह हो, इसलिए तो वो वहीं खुदाई कर रहा है। तो वो लोग अपनी नज़रें गड़ा के एकदम घूर घूर के देखने होते हैं कि लाइक अब खजाना निकलेगा, अब खजाना निकला है। लेकिन लिखा निकलता क्या है अभी हम देखते हैं। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एंड ही डांस्ड विद जॉय। आज वो अपनी बीवी को कहते हैं कि मुझे जल्दी से फावड़ा कुल्हाड़ी वगैरह दो। वो जो ग्रीडी का मतलब लालची, वो जो लालची आदमी था वो, और वो खुशी के मारे नाच रहे थे, ये सोचे कि अब खजाना निकलेगा, खजाना निकलेगा। देन द कोविटियस ओल्ड फेलो, कोविटियस मतलब होता है बहुत लालची गंदा इंसान, विद द स्पेड एंड देयर द ओल्ड क्रोन विद अ होल बिगिन टू डिग। अब वहाँ पे कोविटियस ओल्ड फेलो मतलब वो ये आदमी, और जो उसकी वाइफ, क्रोन का मतलब होता है हैग, हैग यानी जैसे ना अगली अगली वुमेन, उसका एक नाम, उसको ये कहते हैं हैग कहते हैं, ओके सॉरी क्रोन कहते हैं और हैग कहते हैं। विद अ हो एंड बिगिन टू डिग बट देर वॉज नथिंग बट डेड किटन। लेकिन जहाँ वो खुदाई करता है मुकू, वहाँ क्या निकलता है, एक मरी हुई किटन। द स्मेल विच मेड देम बो ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज़ेस, और इसकी स्मेल इतनी गंदी आती है बदबू की क्योंकि वहाँ एक किटन मरी होती है कि उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. और उसके बाद उस पर मूकू पे वो लोग, उन लोगों को इतना गुस्सा आता है कि उसके बाद जो ओल्ड मैन होता है उसको मारना पीटना शुरू कर देता है, और जो वुमेन होती है उसके सिर को उस फावड़े से काट देती है, उसको सिर को काट के उसको मार देती है। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. और उसके बाद करकैस का मतलब होता है उसकी लाश के ऊपर, वो लोग जो जिसने मुकू ने वो जो गड्ढा खोदा होता है उसी के अंदर उसकी लाश को डाल के उसके बाद वो मिट्टी डाल के उसको वहीं दफना देते हैं। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मोर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। सो उसके बाद जो ओल्ड कपल होते हैं उनको पता चलता है उनकी डॉगी की डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद वो अपनी डोगी को मोर्न करते हैं। मोर्न करने का मतलब होता है उस ग्रीफ में, मतलब वो उस पर वो करते हैं, जब कोई डेथ हो जाता है हम बुरा लगता है, ग्रीफ करते हैं, हम ग्रीव करते हैं, वो ही करते हैं। और इस बार वो उस पाइन ट्री के अंदर जाते हैं और फिर वहाँ पे वो क्या करते हैं, दे सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज यूज्ड आर बिफोर टूम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स। अब उसके बाद वो क्या कहते हैं, आसपास वो बैम्बू की जो डंडियाँ होती हैं वो लगा देते हैं और उसके ऊपर फ्रेश कलर फ्रेश मतलब प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स डाल देते हैं। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्नड सेवरली कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। और वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो एक पानी का कप रख देते हैं और कुछ खाना रख देते हैं ग्रेव के पास, और वो बहुत महंगी वाली जो इंसेंस अगरबत्ती होती है ना उनको जला देते हैं। ही मोर्नड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अराइव। और इसके बाद वहाँ पे वो उसके लिए मोर्न करते हैं, मोर्न मतलब जब हम किसी कोई मरता उसको याद करते हैं, वो करते हैं और उसके बाद उसको बहुत प्यारे प्यारे नामों से पुकारते हैं, जिस तरीके से वो अगर हो तो असली हो, मुकू तो मर चुका है लेकिन वो इस तरीके से उसके प्यारे प्यारे नाम ले रहे थे जैसे वो जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ डॉग अपीयर्ड टू हिम इन ड्रीम एंड सेड कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। वो जब रात को, अब वो जब सो रहे होते हैं तो उस डॉग की आत्मा आती है उनके पास और अपने मालिक से कहती है कि जो मैं जिस पाइन ट्री के नीचे तुमने मुझे गाड़ा है वहाँ पे तुम उस पेड़ को काटो और उसका एक मोटर बनाओ।
अभी मूर्तर या मूर्तार कहते हैं इसको, ये क्या होता है, ये बाउल होता है, मतलब आपने देखा है जैसे पेस्टल होता है, एक ऐसी सी चीज़ नहीं होती है लकड़ी उसका बना होता है, या तो हम कहें सेरेमिक का होता है, तो पत्थर का होता है, जिसको नाम चीज़ें डाल के चीज़ें कूटते हैं, वो मतलब ऐसा डिब्बा सा होता है, ऐसे कुछ कूटने का सा होता है, और एक ऐसा बाउल सा होता है पत्थर वगैरह का, जिसके अंदर हम चीज़ें डाल के उसको कूटते हैं, है ना, चटनी वगैरह बनाते हैं, पुराने टाइम में ऐसे बनती थी, तो वो बनाते कि वो जो लकड़ी है उसके तुम एक मोर्टार बनाओ, ताकि तुम राइस पेस्ट्री के लिए, और एक मिल बनाओ मेरे बीन सॉस के लिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है मिल बनाने का, मतलब है वो तो ना सिलबट्टा, सिलबट्टे को मिल कहते हैं, तो वो तुम एक मिल बनाओ और एक मोर्टार बनाओ उस पेड़ से। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन ऑफ 2 feet लॉन्ग विद ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर पार्टली बाय शीजल ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बाउल ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस। अब उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उस ट्री को काट देता है ओल्ड मैन, और उस पर बहुत मेहनत करके और ये आरी और आग का यूज़ करके वो एक छोटा सा बाउल बनाते हैं, और उस पर वो एक हैमर सा बनाते हैं पाउंड करने के लिए चावल को। सो आपको पता है एक ना जापानीज न्यू ईयर होता है, सो उस टाइम एक प्रथा होती है कि हम ना जो राइस पेस्ट होता है ना राइस पेस्ट्री बनाते हैं। अब राइस पेस्ट्री कैसे बनती है, हम चावल लेते हैं, चावल को बॉयल करते हैं, और चावल को बॉयल करने के बाद उसके हम कूटते हैं उसको, फिर ना उसका एक आटा डो बन जाता है, जैसे आटे का डो बनता है जिसके हम रोटियां बनाते हैं, वैसे ही वो बन जाता है। फिर उसको हम गोल गोल पीसेस में काट के, अलग अलग शेप्स में काट के, या तो हम उसको बॉयल करते हैं, या तो हम उसको फ्राई या बेक करते हैं, और उसके बाद वो पेस्ट्री सी बन जाती है जिनको खाया जाता है जब जापानीज़ न्यू ईयर होता है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। और उसको जो रेड बीन होती है ना, जो आप खाते हो राजमे को रेड बीन्स कहते हैं, तो रेड बीन का पेस्ट बनाते हैं, मीठा टेस्ट, मीठा होता है वो टेस्ट में, तो उसको बना के वो फिर राइस की जो पेस्ट्रीज बनाते हैं, केक टाइप बनाते हैं वो, और फिर रेड बीन की जो पेस्ट बनाते हैं उसको साथ में खाते हैं, ये वहाँ का ट्रेडिशन है। अब जो ओल्ड मैन है वो एक बाउल सा बना देता है उसके लिए, राइस को कूटने के लिए। When the New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. अब न्यू ईयर आ जाता है, जैपनीज न्यू ईयर, वहाँ पे वो सम राइस पेस्ट्री बनाने का वो सोचता है। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough. अब उसके बाद वो क्या करते हैं, अब जो ग्रैनी है मतलब कोई दादी है, वो क्या करती हैं, वो सारे राइस को उसके अंदर डालती हैं जो उन्होंने बनाया था मोर्टार के अंदर मुझे ना ये प्रनाउंस करने का भी प्रॉब्लम आ रही है, मोर्टार कहते हैं इसको वैसे, मोर्टार, तो उसके अंदर वो डालते हैं सारे राइस को, और फिर जो ओल्ड मैन होता है वो अपने हैमर से उसको पाउंड करना, मतलब उसको ढक ढक करके मारना शुरू कर देता है डो में कन्वर्ट करने के लिए। एंड द ब्लो फेल हैवी टिल द पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, और उस पर फिर डो बन जाता है और जो पेस्ट्री होती है वो बेक के लिए तैयार हो जाती है पकाने के लिए। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins when the old woman took the handmill and filling it with beans began to grind it, the gold dropped like rain. और उसके बाद क्या होता है, फिर जो वो पूरा का पूरा आटा से उन्होंने बनाया होता है ना चावल का, वो सोने के सिक्कों में बदल जाता है, और जो वो लेडी होती है ना, वो जो मिल का यूज़ करके वो बीन्स को ग्राइंड कर रही होती है, वो जो सिलबट्टा सा नहीं होता, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो इसको लेके वो जो बीन्स होते हैं पेस्ट, उसको पेस्ट बनाने की कर रही होती हैं, लेकिन जैसे ही वो पेस्ट बनाने की कोशिश करने लगती हैं, जितनी भी बीन्स होती हैं वो लोग गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं। मीनवाइल द एनवियस नेबर, एनवियस मतलब जलेसी, लेकिन जेलेसी दो टाइप की जेलेसीज होती हैं इस दुनिया के अंदर स्टूडेंट्स, दो टाइप की जेलेसी होती है, एक टाइप की जेलेसी होती है जो एक अच्छी वाली जेलेसी होती है, जैसे सामने वाले के पास कोई चीज़ है ठीक है, और हमें वो चीज़ चाहिए, और हम उसके लिए फिर मेहनत करें उस चीज़ को अपनाने के लिए, या हम कहें कि मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं वो चीज़ कर लूँ, तो उसको हम जेलेसी कहते हैं, नॉर्मल वाली जेलेसी, ओके, जब हमें जलन होती है। एनवी जो होती है ना वो एक जेलेसी की एक्सट्रीम स्टेट है, जेलेसी तो है, जलन तो हो रही है, लेकिन वो काफ़ी एक्सट्रीम है, मतलब हमें जब हम इस
एनवी वाली जेलसी करते तो हमें उसमें सामने वाले बंदे से नफरत हो जाती है कि यार उसके पास ये चीज़ कैसे आई, उसके पास ये चीज़ कैसे आई, वो तो उसके लायक नहीं है, मैं लायक हूँ। जब ऐसे वाली फीलिंग आती है ना तो उसको एनवी कहते हैं। तो जो ओल्ड कपल थे, वो जो गंदे वाले थे साइड में, वो उनकी विंडो के ज़रिए उनको झांक के देख रहे थे और उन्होंने देखा कि कैसे जो बीन्स थे वो जब ग्राउंड हो रहे थे तब वो तुरंत ही सोने में बदल गए। तो उसको देख के वो लोग जल जाते हैं पूरी तरीके से। गुड ई मी, क्राइड द ओल्ड हैग। ओल्ड हैग मतलब वही बूढ़ी औरत, अगली मतलब जो बसूरत औरत होती हैं अगली। एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्न इन टू येल्लो गोल्ड, और वो जैसे देखते कि जो सॉस बन रहा होता है बीन पेस्ट का वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अंटिल इन अ फ्यू मिनट द ट्यूब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनी मास ऑफ गोल्ड, और कुछ ही मिनट के अंदर जितना भी उन्होंने भरा होता है मिल के अंदर वो सारा रेड बीन पेस्ट पूरा गोल्ड बन जाता है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, वो दोबारा अमीर हो जाते ओल्ड कपल। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेट नेब, स्टिंगी मतलब गंदे, मिजरेबल बदबू वाले, मतलब बदबू वाले ना वैसे नहीं असली में बदबू नहीं, मतलब जैसे गंदगी स्मेल आती है, मतलब जैसे कोई आपने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं हम उनके पास जाए तो हमें उनका नेचर देखे कि वो इतने गंदे होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, बुरे होते हैं, हम जानते हैं वो इतने बुरे तो हमारा मन नहीं करता उनके पास खड़ा होने का, हमें सफोकेशन होने लगती है। तो उन लोगों को स्टिंगी लोग कहते हैं। तो वही स्टिंगी विकेट जो नेबर होते हैं वो उनके पास आते हैं और वो जो उनका उन्होंने मोतार और मिल बनाई होती है उन दोनों को ले जाते हैं। अब वो फिर घर में ला के वो क्या करते हैं, उसी के अंदर वही चीज़ करते हैं जो उन्होंने देखी होती कि ओल्ड कपल कर रहे होते हैं। दे फिल्ड वन विद बोल्ड राइस एंड द अदर विद बीन, देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। फिर इस बार वो यही करते हैं, वो उनसे मोतार और मिल ले लेते हैं, उस पर वो भी उसमें राइस डाल के उसको पाउंड करना गूंदना शुरू कर देते हैं और जो वुमेन होती है उसका पेस्ट बनाने लगती है। बट एज द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू फुल मास ऑफ वर्म्स, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको गूंदना और ग्राइंड करना शुरू करा जितना भी उनके पास राइस होता है और जो वो होता है बीन होते हैं वो वर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसमें वर्म्स को हिंदी में क्या कहते हैं, केंचुए, हाँ केंचुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू द पीसेस एंड यूज एज फायरवुड, अब वो और भी गुस्से में हो जाते हैं और इस पर वो क्या करते हैं, वो जो मिल होती है और जो मोथर बनाया होता है उन दोनों को वो आग में डाल देते हैं, लकड़ी, क्योंकि लकड़ी के बने होते हैं, उनको आग में डाल के जला देते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। अब उसके बाद दोबारा वो जो ओल्ड कपल होते हैं उनका सपना, जिसमें वो जो डॉग की आत्मा होती है उनको बताती है कैसे वो जो गंदे वाले कपल हैं उन्होंने जो मोतर और जो मिल है उसको जला डाला है। टेक द एशेस ऑफ द मिल स्प्रिंकल देम ऑन द विथर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन। अब उसके बाद वो जो डॉग की आत्मा है वो इनसे पर ये कहते कि क्या करो, वो जो उन्होंने जो मोतर और जो पेस्टल मतलब मिल वगैरह को जलाया तुम उसकी राख लेकर आ जाओ उस लकड़ियों की और उनको स्प्रिंकल करो उन पेड़ों पर जो विथर्ड है, विथर्ड का मतलब ख़राब है, मर गए, मरे हुए पेड़ हैं, ड्राई पेड़ हैं, उनको देखना वो कैसे ब्लूम करने लग जाएंगे, दोबारा खिल उठेंगी। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एंड वर्स टू हिज विकेड नेबर्स हाउस व्हेन ही फाउंड आउट द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ द स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। अब उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो उठता है और उस पर वो वहाँ उसी घर में चला जाता है बुरे नेबर के और वो देखता है कि वो कैसे बैठे हुए हैं अपनी फायर प्लेस, मतलब आपने देखा लोग घरों के अंदर आग जलाते थे तो वहीं पे वो बैठे हुए हैं और स्मोक कर रहे हैं। स्मोक करना आप देखा ना लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं वो कर रहे हैं और स्पिनिंग कर रहे हैं, स्पिनिंग मतलब नशे में इधर उधर घूमना। आपने देखा जब लोग ड्रंक हो जाते तो नशे में किस तरीके से इधर उधर घूमने लगते हैं, उनका सिर घूमने लगता है, तो वो कर रहे हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मील और फिर धीरे धीरे करके बीच बीच में वो लोग क्या कर रहे थे, वो जो सामने आग जल रही थी वहाँ की गर्मी ले रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस और उनके साइड में वहाँ जो मोतर और जो मिल था उसके टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, लेकिन जो ओल्ड आदमी था अब उसको तो सिर्फ एशेस चाहिए थे, राख चाहिए थी उस मोतर और पिस्टल की, सॉरी स्ट्रिंग्स, वो मोरतार और मिल की, तो वो उनकी उनको से वो एशेस ही चाहिए थी, राख चाहिए थी। दो द कवर्डियस कपल टर्न्ड अप देयर नोज़ेस एट हिम और उसी पर वो क्या करते हैं,
टर्नड अप देयर नोजेस का मतलब होता है उसको बड़े गुस्से से देखते हैं, एंड स्कोल्ड हिम एज इफ ही वर अ थीफ, और उसको इस तरीके से उसको ट्रीट करते, उसको बात करते जिस तरीके से शायद वो चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, लेकिन वो उसको करने देते हैं कि वो जो राख है उसको अपने बास्केट में फिल कर ले। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, इट बींग विंटर देयर फेवरेबल चेरी ट्री वॉज बेयर। अब वो जैसे ही शाम को वापस घर आते हैं, वो जो ओल्ड मैन होते हैं अपनी वाइफ को लेता है, गार्डन में ले जाता है। अब उस टाइम पे क्या चल रहा था, विंटर का सीज़न चल रहा था, इस कारण से जो ट्रीज थे वो बेयर थे। बेयर का मतलब उनके पास फूल वगैरह नहीं खिले हुए थे। क्यों नहीं खिले हुए थे, क्योंकि आपको पता है सर्दियों के मौसम में पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो उस तरीके से सारे पेड़ों की पत्तियाँ झड़ी हुई थी। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट एंड लो, वो कहता है उसके तो उससे बहुत थोड़ी सी राख डालता है और देखो, इट स्प्राउटेड ब्लूसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर। उसके ऊपर क्या होता है, जैसे ही वो उसके ऊपर थोड़ी सी एशेज डालता है, जितना भी पूरा पेड़ होता है चेरी ट्री का, वो ब्लूम करने लगता है, ब्लॉसम्स। मतलब आपने देखा चेरी ट्री, उसके ऊपर कैसे पिंक कलर के फ्लावर्स उग जाते हैं, और वो पूरा इतना सारे पिंक कलर के फ्लावर्स उग गए जिस तरीके से हो कि वो क्लाउड हो पिंक कलर का, और उसकी जो स्मेल थी उसने पूरी हवा के अंदर खुशबू भर दी थी। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। अब जो न्यूज़ थी पूरे विलेज में फैल गई और हर कोई इसको देखने आया। द कवरियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मील कैप देम टू मेक द विथर्ड प्लांट ट्रीज विथर्ड ट्री ब्लॉसम्स। तो आप क्या करते हैं, वो जो कवरियस मतलब गंदे वाले कपल थे, अब उन्होंने भी देख लिया कि इनकी स्टोरी क्या थी, कि कैसे उन्होंने वो राख का यूज़ करके किसी पेड़ों को, मरे हुए पेड़ों को जिंदा कर दिया, तो वो भी उस एशेज को, राख को जमा कर लेते हैं। The kind old cup man, hearing that his lord, the day moose, was to pass along the high road near the village, set out to see him. और इस पर फिर जो ओल्ड आदमी है उसको पता चलता है कि हम उनके वहाँ का डेई मोस मतलब जो लैंड ओनर होते ना बड़े बड़े, मैं कह रही थी ना कि उनको राजाओं की तरह ट्रीट करा जाता था, तो वो उनको खबर मिली कि वो उनके रास्ते उनके विलेज के थ्रू जाने वाले हैं। तो अब वो जो ओल्ड मैन था उसने डिसाइड करा कि वो उसको देखने जाएगा। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ ashes, तो उसको वो देखने जाता है अपने साथ वो बास्केट ले जाके राख वाली। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विथर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वेसाइड। और इसके बाद जैसे ट्रेन सामने आने लगती है, वो जो ओल्ड आदमी होता है वो एक पुराने चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है वहाँ पे देखने के लिए। नाउ इन द डेज ऑफ डेईमोस इट वॉज कस्टम वेन देयर लॉर्ड पासिस बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज। They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. So उस समय ना एक परंपरा थी, क्योंकि जो ये डेईमोस होते थे ना, जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता था, ये इतने ज़्यादा अमीर होते थे, तो कहा जाता था कि जब वो आपके रास्ते में आपकी रोड से आपके विलेज से पास कर रहते थे ना, तो एक कस्टम था, एक ये रिचुअल था कि सारे लोग क्या करते थे, वो अपने सिर को झुका के, अपने हाथों को फैला के और अपनी गर्दन को नीचे करके उनका स्वागत करते थे, ज़मीन पे लेट के, एकदम से ज़मीन जैसे बैठ जाते रिस्पेक्ट देने के लिए। और जो लोग होते थे वो अपने घरों की विंडोज़ को भी बंद कर देते थे, और कभी कभी अपनी विंडोज़ को वो लोग उससे पेपर जो होता है ना, पेपर अपनी विंडो पर चिपका देते थे रिस्पेक्ट देने के लिए उनको, क्योंकि वो लोग कुछ लोग जैसे गरीब होते हैं, तो आप वो चाहते नहीं थे कि जैसे गरीब लोगों के थे वो होते थे अनटचेबल लोग पुराने टाइम के, आप ऐसे कह लो कि वो लोग जो गरीब हैं या वगैरह वो उनको देख भी ना पाए, क्योंकि अगर वो देख भी लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो इतने अमीर हैं और वो इतने लो लेवल के हैं, तो इसलिए। और जितने भी लोग रोड में जाते थे वो अपने बॉडी को पूरा वहाँ लेट जाते थे सिर झुका के, क्योंकि वो ये एक तरीके से उनको वो प्रोवाइड करता था कि आप हमसे कितने बड़े और हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। सो ये एक कस्टम था वहाँ का। द ट्रेन ड्रू नियर वन टॉल एंड कम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड। अब जैसे जैसे ट्रेन पास आ रही थी, एक जो बड़ा सा कम्पिटेंट का मतलब होता है डील डॉल, मतलब बहुत वैसा
ऊंचा जाइंट टाइप इंसान उनके सामने मार्च कर रहा होता है, क्राइंग आउट टू दी पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग। अब जो ट्रेन है वो पास आ रही थी। अब स्टूडेंट्स यहाँ ट्रेन का मतलब वो ट्रेन नहीं है जो आप सोच रहे हो कि ट्रेन, ये ट्रेन जो रेलवे ट्रैक पे चलती है वो ट्रेन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम ट्रेन की बात कर रहे हैं एक झुंड की। झुंड ऐसे जो अमीर लोग होते हैं, राजा होते हैं, आपने देखा वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं। पहले सामने मिलिट्री के कुछ लोग जा रहे होते हैं, फिर नीचे और मिलिट्री के लोग जा रहे होते हैं, फिर यहाँ राजा की पालकी जा रही होती है, फिर पीछे और लोग जा रहे होते हैं, आसपास भी लोग खड़े होते हैं सेफ्टी के लिए, तो हम उसको ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो सामने सबसे पहले एक आदमी चल रहा था सबसे सामने, जो उन सब लोगों नीचे झुकने को कह रहा था, क्योंकि वो उनका जो डेमोस था वो आ रहा था। एंड एवरी वन नील डाउन वेल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और हर कोई वहाँ फिर एकदम से झुक जाता है। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइड ऑफ द एज्ड मैन अपन द ट्री, और उसके बाद वो जो लीडर है वो एक वैन में अपने जो चल रहा होता है वो देखता है कि कैसे जो एक बूढ़ा आदमी है वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एग्री टोन, बट सीइंग ही वॉज सच अ ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडिंग नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड बाय। अब वहाँ पे वो जो ओल्ड आदमी था वो तो हम पेड़ पे चढ़ा हुआ था, तो वो जो बड़ा सा सबसे सामने वाला आदमी था जो शायद से जर्नल होता है, उसने उसको देखा उस आदमी को, और वो बोलने ही वाला था, उस पर चिल्लाने वाला था कि वो क्यों वहाँ पेड़ पे चढ़ा हुआ है, वो नीचे उतर के झुक जाए। लेकिन उसकी एज देख के वो चुप हो गया और ऐसा उसने प्रिटेंड करा, उसको इग्नोर कर दिया। सो व्हेन द डेमोस पालकनीन का मतलब वही पालकी जिसपे जो राजा लोग अंदर बैठ के जाते थे ना, वो आ रही थी। द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, इन द मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। सो उसके बाद जैसे ही वो डेमोस उनके सामने से आता है, जो ओल्ड मैन होता है वो थोड़ी सी एशेस को लेता है अपने हाथ पे और वो उस पूरे ट्री के जिस पर वो चढ़ा होता है उस पर डाल देता है, और पूरे का पूरा ट्री अचानक से ब्लॉसम करने लग जाता है, खिल जाता है। द डिलइटेड डेमोस ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडरफुल। जो डेमोस होता है वो इतना खुश होता है कि वो एकदम से वो अपनी पालकी को और सबको रोकने को कहता है, और वो वहाँ पे उस वंडर को कि कैसे वो जो पेड़ था वो खिल उठा उसको देखने जाता है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम एंड ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोप्स स्पॉन्ज केक्स एंड फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, और इस पर उसको बहुत सारे तोहफे देता है, वो सिल्क के कपड़े देता है, केक्स देता है, फ़ैन देता है और बहुत सारी चीज़ें देता है, और उसको अपने कासल में आने को भी कहता है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। अब जो ओल्ड मैन होता है वो खुशी खुशी घर जाता है और अपनी वाइफ को ये बात बताने। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट द हाईवे। देयर ही वेटेड अंटिल द डेमोस ट्रेन केम अलोंग एंड instead of kneeling down like the crowd he climbed up with a cherry tree and with then the demos when the demos himself was almost directly under him he threw a handful of ashes over the tree which did not change a particle. ab uske paas kya hota hai, greedy man jo hota hai wo dekh leta hai ki wo uske bare mein sunta hai, ab uske baad kya karte hai wo us magic ashes ko jo usne jama kari thi raak ko wahan pe jama karke wo highway pe pahunch jata hai jahan se wo demos guzarne wale hote hain। अब वो भी एक पेड़ पे चढ़ जाता है इंस्टेड कि वो झुक के उस रोड पे उसका स्वागत करें, और उसके बाद जिस तरीके से ओल्ड मैन ने वो फेंका होती है राख को उसी तरीके से वो भी फेंक देता है। लेकिन अब क्या होता है, वो जो राख होती है वो स्ट्री को ब्लॉसम नहीं करती है, वो जो राख होती है वो वैसे की वैसी ही रह जाती है। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोज एंड आइज ऑफ द डेमोस एंड हिज वाइफ, और उसके बाद क्या होता है, वो जो राख होती है वो हवा के जरिए उड़ के पूरे के पूरे जो डेमोस होता है वो उसकी बीवी की नाक और मुंह में नाक में और आँखों में घुस जाती है। सस स्नीजिंग एंड चोकिंग, और उस पर वो उसको छींकना शुरू कर देते हैं, उनको खांसी आने लगती है। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड द डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। अब सारी की सारी जो सवारी जो जा रही होती है, ट्रेन जा रही होती है, वो रुक जाती है और सारी रिस्पेक्ट वगैरह पानी में मिल जाती है डेमोस की। अब देखो कितनी शर्म की बात है, कैसे उस गंदे आदमी ने तुरंत ही वो फेंक दिया लालच के चक्कर में कि उसको भी चीज़ें मिलेंगी एशेस जो वो फेंकेगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। और डेमोस का सारा मुँह गंदा हो गया, इसकी वाइफ का मुँह गंदा हो गया। अब सोचो उस बंदे के साथ क्या होने वाला था। द मैन हुज बिजनेस इज वॉज टू क्राई, अब जो वो आदमी था जो सबसे आगे चल रहा था, अब वो एकदम से चिल्लाता है, वो उसको कहता है गेट डाउन ऑन योर नीज, वो कहते हैं कि तुम नीचे झुको। एंड सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर एंड ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड टम्बल्ड हिम एंड
एंड हिज ऐश बास्केट इन टू द डिच बाय द रोड. अब उसके बाद क्या करते हैं, वो जो आदमी सबसे आगे जा रहा होता है, जो लोगों को नीचे झुकने को कहते हैं, वो उस बंदे को कस के पकड़ते थे, पकड़ा और उसको एक पेड़ के पास ले जाके उसकी जो उसको वहाँ एक पेड़ से लगा दिया, कस के उसको मार दिया, और जिसकी ऐश बास्केट थी उसको वहीं साइड पे रोड पे फेंक दिया और इसको मारना कूटना शुरू कर दिया और उसको मरने के लिए छोड़ दिया. थस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मंथ बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ड इन पीस एंड प्लेंटी एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन गोल्ड ओल्ड एज. अब क्या हुआ, अब जो ओल्ड आदमी था उसकी वहीं पे मौत हो गई, लेकिन जो अच्छा वाला आदमी था उसका जो काइंड डॉग था वो अभी भी खुशी से जी रहा था मौत के बाद भी, और वो अपने मास्टर की अभी भी मदद करता था. और उसके बाद जो अच्छे आदमी था उसकी जो वाइफ थी कपल, वो दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ उन्होंने ज़िंदगी काटी. सो ये थी हमारी पूरी की पूरी स्टोरी स्टूडेंट्स. इसको लिखा गया विलियम एलियट ग्रिफ्स ने, एक जापनीज टेल है, उसकी रिटोल्ड है, मतलब उसको अपने वर्जन में उन्होंने लिखा है. जापान की बहुत पुरानी कहानी है ये. इसके ऊपर ये शो होता है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा हमें लोगों से बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमारा एक अच्छा दिल होना चाहिए. ये स्टोरी इसी के ऊपर थी. अब जो वो ओल्ड गंदे आदमी ओल्ड जो वो गंदे ओल्ड कपल थे, ठीक है, अब क्या हुआ, उनके अंदर इतना लालच था, उनके अंदर इतनी गंदी फीलिंग थी अपने सामने वाले नेबर को के उसमें नेबर के लिए, कि वो कुछ भी करने को तैयार थे. उन्होंने उसके डॉग को मार दिया और फिर उसके बाद उन्होंने हर वो चीज़ करने की कोशिश करी जो उस ओल्ड कपल ने करी. बस ये था कि जो ओल्ड कपल था असली वाला जिनका डॉग था मूकू, वो लोग अच्छे थे, उनकी दिल अच्छा था, लेकिन इनका दिल बुरा था. आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ. वो जो ओल्ड इंसान की डेथ हुई, क्या वो अच्छी बात थी कि उसकी डेथ हो गई, होनी चाहिए थी उसकी डेथ या नहीं होनी चाहिए थी. हाँ, और जो ओल्ड कपल है उन्होंने जो भी बुरी चीज़ें करी, क्या उनकी सज़ा यही थी कि उनको कि उनकी डेथ हो जानी चाहिए थी, उस ओल्ड कपल को गंदे वालों को मर जाना चाहिए था. आप क्या सोचते हैं, मैं आपकी व्यूज़ जानना चाहती स्टूडेंट्स, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना. सो इसी साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. हम मिलेंगे अब एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर. सो बाय स्टूडेंट्स.